जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको LCM और HCF का जो भाग 2 है यानी कि लेसन 2 को करेंगे। पहला लेसन मैं करा चुका हूँ और दूसरा लेसन मैंने बता रहा हूँ आपको। तो इस लेसन में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, तो देखते रहिए LCM और HCF का कितने टाइप का क्वेश्चन होता है और क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है 24, 36 और 60 का महोत्सव क्या है। महोत्सव होता है महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। इसमें क्या होता है, दो तरीके से होता है। पहला तरीका है आरेख का LCM कर लो, उसके बाद उसका जो कॉमन भाग है उसको ले लो, तो उससे महोत्सव निकल जाएगा। नहीं तो दूसरा भाग करके डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहला मेथड में देखिए आप 24 है 24 का LCM करेंगे, 2 से भाग करेंगे 12 होगा, 2 से भाग करेंगे 6 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 होगा। आगे देखो 36 है, 36 को भी LCM करेंगे, 2 से करेंगे तो 18 होगा, 2 से करेंगे तो 9 होगा और 2 से नहीं जाएगा तो 3 से। सबसे कम छोटा संख्या से भाग करना है, अगर 2 से नहीं जाएगा, कम छोटा से नहीं जाएगा तो अगले संख्या को देखना है। तो अगले संख्या 3 है तो होगा 3। नेक्स्ट है 60 को भी भाग करेंगे 2 से तो 30 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 15 होगा, फिर 2 से नहीं जाता फिर हम 3 से करेंगे तो 5 होगा। यानी कि हम 24 के लिए लिख सकते हैं 3 2 है, 2 × 2 × 2 और 1 3 है। और 36 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 × 3। और 60 के लिए भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब क्या करना है, अब देखना सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है। तो HCF क्या होगा इसका, HCF यानी कि महोत्सव, 2 2 कॉमन है, देखिए 2 सब में है तो 2 × 2 और 3 1 3 है देखो सब में इंटू 3, यानी कि इसको गुणा करेंगे 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 12 होगा इसका HCF। इनका HCF कितना होगा 12, ऑप्शन बी इसका आंसर। ये तो हो गया LCM वाला मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। डिविजन मेथड में ये 24 को ना अगले संख्या जो 36 है उससे भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो लिखेंगे 24 और आगे होगा कितना 12, फिर 12 से ये वाला संख्या को फिर दोबारा भाग देंगे 12 × 2 = 24। तो ये जो है इस साइड वाला ये HCF हो जाता है। कैसे होगा, आगे भी 60 भी है तो 60 को भी भाग करेंगे, अगर 60 के भाग करके मिल जाता है तो यही 12 HCF, 60 से भाग करके 5 × 7 यानी कि 12 सब में कॉमन हो जाता है। तो इसका HCF कितना हो जाता है, HCF यानी कि महोत्सव कितना होगा 12, इसका आंसर 12 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। छोटा से छोटा संख्या गैप करो जो 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर भाग से 0 रहता है तथा 13 से भाग देने पर 7 अवशेष रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब बोलता है छोटा से छोटा संख्या, छोटा से छोटा संख्या का मतलब होता है LCM, तो हम इस संख्या को LCM करेंगे। अगर भाग से 0 रहता है, अगर 0 रहता है तो मिल जाएगा LCM को, अगर नहीं तो अगर 1, 2, 3, 4 आने से क्या होता है तो आप जो संख्या शेष रहता है तो हमने LCM करने के बाद उस संख्या को जोड़ देते हैं तो उसका अवशेष रहता है। तो इसमें क्या है, 0 रहता है तो LCM करेंगे। आगे देखते हैं 13 से भाग देने पर 7 अवशेष रहता है तो भाग करके देखते हैं। तो पहले LCM करते हैं 4, 6, 8, 9, इसको LCM करेंगे। सबसे छोटा संख्या 2 से देंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 8 × 9, फिर हम 2 से करेंगे, जब तक 2 से जाएगा 2 से ही करते रहेंगे, कम से कम 2 संख्या जाना चाहिए 1, 3, 2, 9, फिर आप 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 1, 1 और 2 और 3, 3 के 9, आगे नहीं जाता तो हम इसका LCM क्या होता है, LCM है 2 × 2 = 4, 2 × 2 × 3 × 2 × 3, ये संख्या रह जाता है 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 3 यानी कि 70, 3 × 4 = 72, तो 72 इसका LCM होता है। तो 72 को आप 13 से भाग करके देखेंगे, 72 को अगर हम 13 से भाग करेंगे 5 × 3 = 65, तो इधर भाग करेंगे 5 × 5 = 7, 7 × 7 = 7, यानी कि 7 जो है 7 अवशेष रहता है 7, तो यानी कि इसका कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ऑप्शन होता है 72, आंसर ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है, 4 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्ण विभाजित हो, यानी कि 4 अंक की बड़ी संख्या होता है 4, 9,
और पूछा गया है ये जो शोक है ये सभी से भाग होना चाहिए। सभी से भाग होने के लिए इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम जो होगा उस चार अंक की बड़ी संख्या के साथ भाग देंगे। भाग देने के बाद मिलेगा नहीं, कुछ भाग शेष रहेगा, उस भाग शेष को इससे माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो संख्या मिलेगा वही संख्या होगा चार अंक की बड़ी संख्या। देखिए कैसे इसको क्या करना बोला गया, 12, 18, 15 और 27। इसका एलसीएम करेंगे, 6 से छोटा संख्या लेंगे, 2 से 6 दुगने 12, 9 दुगने 18 और 15 नहीं जाता, 27 भी नहीं जाता। तो आगे हम 3 से करते हैं, 3 दुगने 6, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा तो 2 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 3 3 के 9 होगा, यानी कि इनका जो एलसीएम है वो आएगा 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 3। इसको गुणा करेंगे 3 दुगने 6, 3 6 18 और इसको गुणा करेंगे 5 दुगने 10 और 3 10 30, यानी कि 3 8 94, 540 होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम होगा 544। तो चार अंक की जो बड़ी संख्या है 9999, इसको हम 540 से भाग देंगे। तो पहले निकालेंगे तो 540 होगा, फिर आएगा 9, ये आएगा 5 और ये आएगा 4, इसको 9 निकालेंगे, फिर इसके साथ 8 से करेंगे। 8 से करने से क्या होगा, 4 8 32 2 3 और 5 8 44 3 43, 9 होगा ये, 7 होगा, 2 होगा, ये शेष रह जाता है शेष। तो चार अंक की बड़ी संख्या के साथ ये शेष माइनस कर देंगे, 9999 इसके साथ माइनस 279, यानी कि 0 2 और ये 7 और 9, 9720 इसका आंसर है, 9720 इसका आंसर हो। मैंने इनका ऑप्शन नहीं लिखा, इसका ये आंसर हो। चार अंक की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 5 7 और 9 से भाग देने पर एक संख्या 1 3 5 7 अवशेष रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो ये संख्या के साथ ये अवशेष रहता है अवशेष वाला को पहले घटाएं। घटाने के बाद हम ये जो संख्या इसका एलसीएम करेंगे और आगे देखते हैं, फिर आपको बताएंगे बड़ी संख्या जो होगा इस चार अंक की बड़ी संख्या मतलब 4 9 जो ये जो अवशेष वाले बाद ये का एलसीएम करेंगे उसके साथ भाग करेंगे, भाग करने के बाद फिर जो अवशेष वाला है उसको माइनस करेंगे और इनमें से जो अवशेष है उसको भी माइनस करेंगे। देखते रहिए कैसे। देखिए सबसे पहले चार संख्या है 1 2 3 और 4, ये चार संख्या कौन सा है, 3 है 5 है 7 है या 9 है, और अवशेष क्या रहता है, अवशेष 1 रहता है 3 रहता है 5 रहता है 7 रहता है। तो अगर इनके साथ ये सब माइनस कर देंगे तो क्या रह जाता है, इसके रह जाता है कितना है, 1 माइनस करेंगे 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, यानी कि 2 अवशेष रह जाता है। और उधर क्या है, ये तीनों ये सभी संख्या का एक एलसीएम निकालेंगे। सभी संख्या का एलसीएम क्या है, सभी संख्या का एलसीएम हम इधर निकालते हैं, 3 है 5 है 7 है 9 है, इसका एलसीएम निकालने के लिए छोटा संख्या 3 निकाल रहा, 3 1 3 5 5 इसके 5 है तो 5 रह जाता है, ये 7 रह जाता है, ये 3 रह जाता है, और फिर आगे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, यानी कि इसको गुणा कर देंगे तो इनका एलसीएम है 3 5 15 3 × 5 × 7 × 3, यानी कि 3 5 15 7 105 105 × 3, 5 1 3 5 15 5 3 0 0 1 3 1 3 315। ये 315 जो रहता है ना, इसको चार अंक की बड़ी संख्या, चार अंक की बड़ी संख्या कितना है, 4 9 है, इसके साथ इसको भाग कर देंगे, भाग करेंगे 315 तो 3 निकालेंगे तो 3 5 15 5 7 1 3 1 3 4 और 3 3 9, इसको माइनस करेंगे 4, इसको 9 से 4 माइनस करेंगे 5, 54 9, ये 2 से नहीं जाएगा 1 से जाएगा, 315 माइनस करेंगे 4 3 4 होगा 3 होगा और ये 2 होगा, 234 इसका शेष रहता है। जो शेष रहता है तो चार अंक की बड़ी संख्या से माइनस करेंगे, अतः 19999 के साथ 234 माइनस कर देंगे, फिर ये जो 2 बैलेंस था इसको भी माइनस कर देंगे, तब इसका आंसर आएगा। इसको माइनस करने से क्या है, 2 और 9 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, जब 4 से माइनस करेंगे तो 5 और फिर 3 के साथ इसको माइनस करेंगे 6 और 2 के साथ इसको माइनस करेंगे 7 और ये 9 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 9 7 6 9 7 6 3,
9763 इसका आंसर होगा, 9763 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यह है इसके तरीका। तो मुझे उम्मीद है आज यही तक करा दिया, अगले दिन फिर एलसीएम एचसीएम का एक दो चैप्टर है जो तप्ती पब्लिकेशन के आधार पर मैं उस बुक से करा रहा हूँ जो बंगाली मीडियम में लिखा हुआ है। तो फॉलो कीजिए इसको, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।